Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum kitchen chefs. Myself Muniba Rahman and you are watching Cooking is a Passion. So here I am presenting a very unique recipe which is a combination of a eastern and a western recipes. So I hope ki aaj ki recipe aap logo pasand aayegi aur usse zarur enjoy karenge. So presenting Mexican kebab along with a Haryali Pulao aur ye bahut hi amazing combination hai. To chaliye aaj ke ingredients aapko dikha dete hain. Yahan jo ingredients aapko nazar aa rahe hain wo Mexican kebab mein istemal hone wale hain. To chaliye yahan aapko bata dete hain. 1 kilo le liya tha maine yahan par beef aur ise maine acche se wash करके स्ट्रेन कर लिया था और यहाँ मैंने इसको 1 inch के टुकड़ों में कट कर लिया है सो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा उसी के साथ ही जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करने वाले हैं विच इज़ 2 tablespoons ऑफ चॉप कोरिएंडर 4 tablespoons यहाँ ये ले लिया है मैंने कच्चा पपीता कच्चे पपीते का पेस्ट इस्तेमाल हो रहा है 1 medium प्याज ले ली थी जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था आप चाहें तो चॉपर में भी डाल के चॉप कर सकते हैं 3 tablespoons यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा स्पाइसेस हैं 1.5 tablespoons ऑफ कोरिएंडर पाउडर यानी धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर है 1 tablespoon नमक जाएगा 1 tablespoon भर के लाल मिर्च 1 tablespoon काली मिर्च 1 tablespoon काली मिर्च का पाउडर है 2 tablespoon ऑफ लेमन जूस जाएगा सो हेयर इज़ द इंग्रेडिएंट्स अब हम चलते हैं प्रोसेस की तरफ तो इस बीफ में हम तमाम अज्जा जो कि भी मैंने आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स में बताए हैं वो तमाम हम शामिल कर लेंगे और इसे शामिल कर लेने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके रख देंगे फॉर अबाउट 3 to 4 hours आप इसे मैरिनेट करके किचन काउंटर पर भी रख सकते हैं किचन काउंटर पर रखने से ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा और एंड प्रोडक्ट मिलेगा क्योंकि जितना ये वार्म प्लेस पर मैरिनेट होता है उतना ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट आता है आप चाहें तो उसको फ्रिज में भी रख सकते हैं सो इसको मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं अब आ जाते हैं हम यहाँ पर हरियाली पुलाव के लिए तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टॉक तैयार कर लेंगे और जो यखनी तैयार करने वाले हैं उसके जो अज्जा हैं तो यहाँ मैंने गाय के गोश्त की हड्डी ले ली है और 4 to 6 मैंने यहाँ पर बोन्स यूज़ की हैं उसी के साथ ही होल स्पाइसेस कुछ जाएंगे जिसमें हमारे पास 1 tablespoon ज़ीरा है साबुत ज़ीरा 1 tablespoon काली मिर्च था 7-8 दाने लौंग थे 1 tablespoon सौंफ है 2 tablespoon धनिया है साबुत धनिया 1 अदद प्याज ले ली थी मैंने और इसे मैंने रफली चॉप कर लिया है उसी के साथ ही 1 inch का टुकड़ा अदरक का जाएगा जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है 3 to 4 जवे जाएंगे लहसुन के 1 medium size का हमने यहाँ पर टमाटर ले लिया था उसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया था और यहाँ मैंने 3 tablespoon सॉल्ट ले लिया है तो मैंने चावल के हिसाब से नमक भी इसी यखनी में ही शामिल कर लेना है तो चलिए प्रोसेस बता देती हूँ सो यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 cups वाटर क्योंकि मैं चावल यूज़ कर रही हूँ 1.5 cups तो उसके लिहाज से मैं यखनी यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ तो 3 cups मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है और उसमें मैंने होल स्पाइसेस टोमेटो अदरक लहसुन साबुत अनियन और इसी के साथ ही बोन्स और सॉल्ट ऐड कर दिया था इसे ऐड कर लेने के बाद मैं तैयार कर लूँगी यखनी भी मीनवाइल हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर लेते हैं जो मसाला तैयार होगा हमारे हरियाली पुलाव के लिए तो उसके लिए जो अज्जा हमें दरकार हैं विच इज़ 1 medium size का प्याज ले लिया है जिसे मैंने फाइनली स्लाइस कर लिया था उसी के साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है दही जिसे हम अच्छे से फेंट लेंगे हरा धनिया पुदीने की चटनी जाएगी 3 tablespoon इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी 1 tablespoon लाल कुटी हुई मिर्च ले लेंगे 1 tablespoon काली मिर्च ले लेंगे हम हरा धनिया जाएगा चॉप किया हुआ 3 tablespoon 3 अदद हरी मिर्च जिसे मैंने बीच से कट कर लिया था तो ये है इन्ग्रीडियंट्स चलिए अब इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं पैन में ले लिया है मैंने यहाँ पर 2 tablespoon ऑफ कुकिंग ऑयल और जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा हम इसमें शामिल कर देंगे 1 tablespoon ऑफ ज़ीरा साबुत ज़ीरा यहाँ शामिल किया है मैंने और इसे शामिल कर लेने के बाद हम इसे फॉर अबाउट 1 minute or 2 हम इसे फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा तब्दील हो जाए उसकी खुशबू ऑयल में इन्फ्यूज हो जाए सो यहाँ देखिए कलर इसका जैसे ही चेंज हुआ था मैंने इसमें शामिल कर दिया है स्लाइस की हुई अनियंस और अनियंस को शामिल कर लेने के बाद हमने इसको इतनी देर तक फ्राई करना है कि इसका कलर तब्दील होकर गोल्डन ब्राउन हो जाए सो हमें लाइट गोल्डन ब्राउन कलर की अनियंस चाहिए जैसे ही इसका कलर यहाँ आप देख रहे हैं कि तब्दील हुआ मैंने फ़ौरन इसमें योगर्ट ऐड कर दिया और योगर्ट ऐड करते ही मैंने इसे फ़ौरन चला लिया था ये मैंने इसलिए किया था कि अनियंस हमारी ओवर कुक ना हो जाए ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए हमें जैसा रिक्वायर्ड था वैसा कलर आ चुका था तो जस्ट हमने योगर्ट ऐड करके इसको मिक्स कर लिया था इसी के साथ ही मैं इसमें यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ग्रीन पेस्ट जो हमारा हरा धनिया पुदीने की चटनी थी वो और उसके साथ हम स्पाइसेस में शामिल कर देंगे और इन इन्ग्रीडियंट्स को शामिल कर लेने के बाद हम इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं अब क्योंकि यहाँ मैंने फ्रीज की हुई चटनी यूज़ की थी तो मैंने इसको थोड़ी देर ऑन मीडियम हाई फ्लेम पर रख दिया था ताकि जो चटनी है वो मेल्ट हो जाए एंड देन उसके बाद हमने इसको भूनने का काम स्टार्ट किया था
सो यहाँ आप देख सकते हैं कि चटनी मेल्ट हो गई थी और उसके बाद मैंने ऑन मीडियम लो फ्लेम इसको फ्राई किया था, अच्छे से भूना था ताकि जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं और दही हमारी एवेपरेट हो जाए। मीन वाइल यहाँ पर एक घंटा गुजर चुका था और मैं इसमें से जो यखनी हमारी है उसमें से मैं बोन्स रिमूव कर रही हूँ और स्टॉक जो है वो हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है, बनकर तैयार हो चुका है। बोन्स जो है वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, ये अब हमारे किसी काम की नहीं है। सो यहाँ पर यखनी रेडी हो जाने के बाद मैंने इसको अच्छे से पहले स्पून से थोड़ा सा मिक्स कर लिया था ताकि जो टोमेटो लहसुन और अनियंस थे उसका जो जूस है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए और देन मैंने उसे निकाल के सेपरेट कर लिया था। मसाला हमारा रेडी हो चुका है, मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम जो स्टॉक हमने तैयार किया हुआ है वो शामिल कर देंगे। तो 3 कप स्टॉक मैंने यहाँ पर इसमें शामिल कर लिया था और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आप जो मेजरिंग कप राइस को नापने के लिए यूज़ करने वाले हैं उसी सेम मेजरिंग कप से ही आपने यखनी के लिए पानी रखना है ताकि आपकी मेजरमेंट ख़राब ना हो और आपके चावल जो हैं वो गीले या बहुत ज़्यादा सख्त ना तैयार हो जाएँ। सो मैंने इसको कवर कर देना है। अब मैं इसमें पहले शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें और हरा धनिया। स्टॉक को डाल दिया है, हरी मिर्चें हरा धनिया डाल दिया है। अब हम कर देंगे इसका लिड क्लोज़ और इसको फॉर अबाउट 3 to 4 minutes ढककर पकाएंगे जब तक कि इसमें अच्छे सा स्टीम ना बन जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 3-4 hours हो चुके थे और हमारा मैक्सिकन कबाब जो है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। मैं इसको एक दफ़ा और अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि जो मसाले नीचे बैठ गए हैं वो सेट हो जाएँ। पैन में मैंने ले लिया है 3 tablespoons कुकिंग ऑयल और उसमें मैं ये मैरिनेटेड बीफ शामिल कर रही हूँ और इसे शामिल कर लेने के बाद मैं इसे एक दफ़ा अच्छे से पहले मिक्स कर लूँगी और मिक्स कर लेने के बाद मैं इसे कवर करके और मीडियम हाई फ्लेम कुक करने वाली हूँ क्योंकि इसे पपीता ऐड है, ये अच्छे से टेंडर हो जाएगा। यहाँ ये रहा हमारे सोक किए हुए राइस, मैंने इसे फॉर अबाउट 45 minutes अच्छे से वॉश करके 3-4 times एंड देन सोक कर लिया था तो ये बेहतरीन से फूल चुके हैं इस वक्त, उसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया है। अब चलते हैं हमारे पानी की तरफ। जो यखनी हमने रेडी की हुई है वो यहाँ आप देख सकते हैं कि अच्छे से बबल बन रहे हैं, ये उबाल आ चुका है इस पानी में यखनी में। सो अब इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं राइस जो कि हम ऑलरेडी सोक करके रख चुके हैं। राइस शामिल कर लेने के बाद हम इसे अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं ताकि ये यखनी के साथ प्रॉपरली मिक्स होकर सेट हो जाए, एडजस्ट हो जाए। एंड देन इसको मिक्स कर लेने के बाद क्योंकि हम सॉल्ट ऑलरेडी ऐड कर चुके थे हम यखनी के अंदर ही, तो इस स्टेज पर हम इसमें सॉल्ट ऐड नहीं कर रहे हैं। एट दी एंड अगर आपको ऐसा फील हो कि सॉल्ट कम है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इस स्टेज पर मत कीजिएगा। लिड लगाकर रख देंगे इसे फॉर अबाउट 5 minutes ऑन मीडियम हाई फ्लेम। 5 minutes के बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि पानी काफ़ी हद तक एवोपरेट हो चुका है और जो मसाले हैं वो साइड पर सेट होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम इसको एक दफ़ा और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा एहतियात से मिक्स कीजिएगा ताकि चावल जो है वो हमारे टूटे नहीं, ख़राब ना हो, तो बिल्कुल एहतियात से हम इसको साइड साइड से मिक्स कर लेंगे। एंड मिक्स करने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर अगेन लिड लगाकर कुक करेंगे फॉर अबाउट 2 to 3 minutes ताकि जो पानी है वो और मज़ीद एवोपरेट हो जाए। इस स्टेप से पहले हम यहाँ पर लेमन जूस ऐड कर रहे हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इससे चावल जो है वो खिले खिले बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए मज़ीद 2 मिनट के बाद पानी और ज़्यादा एवोपरेट हो गया था, तो अब मैंने इसे तवे पर रख दिया है और दम लगा रही हूँ इसे मैं फॉर अबाउट 10 मिनट्स और इस तरह थोड़ा सा ढक्कन खुला रहने दिया था। तो यहाँ देखिए 10 मिनट्स के बाद हमारा राइस जो है माशाल्लाह बेहतरीन सा बन के तैयार हो चुका है। यहाँ आपको कलर देख कर उसका टेक्स्चर देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने खिले खिले और कितने टेस्टी डिलिशियस बने थे और अल्हम्दुलिल्लाह नमक बिल्कुल सेट था तो मुझे इसमें मज़ीद नमक शामिल करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो दैट्स इट, ये रेडी हो चुका है, हम इसको साइड पर कर लेते हैं और मैक्सिकन कबाब की तरफ चलते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे। सो यहाँ ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया था मुझे कबाब चढ़ाए हुए और यहाँ आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा पानी जो है वो गोश्त ने छोड़ा है। सो अब ये इसी पानी में ऑन हाई फ्लेम कुक होगा और इस ड्यूरेशन में हमारा पानी एवेपरेट भी हो जाएगा मीट का और साथ ही साथ ये टेंडर भी हो जाएगा क्योंकि हम इसमें पपीता लगा के फॉर अबाउट 3-4 hours रख चुके हैं तो ये ऑलमोस्ट टेंडर हो चुके हैं। सो ये देखिए 15 मिनट्स और गुजर गए थे और मसाला जो है वो अच्छे से एवेपरेट हो गया है, जो हमारा पानी था मसाले का वो एवेपरेट हो गया था। तो यहाँ मैंने 2 शिमला मिर्च ले ली थी जिसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था और 1 बड़ी प्याज जिसे भी मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था और ये दोनों चीज़ें शामिल करके मैंने मीट को अच्छे से भून लिया था ताकि जो थोड़ा बहुत पानी इसमें रह गया है वो भी खुश्क हो जाए और साथ ही साथ ही जो 2 वेजीज़ हमने इसमें शामिल की हैं ये भी फ्राई हो जाएँ स्पाइसिस के साथ और उनका जो फ्लेवर है वो इसके ऊपर
आराम से आ जाए, इनके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि इसको शुरू में पहले अच्छे से हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया था एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैंने इसकी फ्लेम को कर दिया था और मीडियम हाई पे करके मैंने इसके ऊपर लिड लगा कर और इसको कवर करके रख दिया था फॉर अबाउट 2 to 3 minutes। तो इसका क्रंची फ्लेवर जो है वो ख़राब नहीं हुआ था लेकिन ये थोड़े से टेंडर हो गए थे। सो यहाँ हमने टाइम के बाद इसको खोला था 2 to 3 minutes के बाद और ये देखिए माशाल्लाह ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा कि सेपरेट हो गया है। तो फ्लेम को कर दिया था मैंने ऑफ़ और अब मैंने यहाँ पर एक कटोरी रखी और उसके ऊपर मैं रखने जा रही हूँ कोल, जिसे मैं ऑलरेडी अच्छे से बर्न कर चुकी थी। सो ये कोल्स रखने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा घी ड्रिजल करूँगी। अच्छा, घी और ऑयल से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। सो मैं यहाँ पर घी ड्रिजल करके इसको कवर करके रख रही हूँ फॉर अबाउट 5 minutes एंड आफ्टर 5 minutes माशाल्लाह यहाँ बहुत ही बेहतरीन बारबेक्यू की खुशबू जो है वो पूरे घर में फैल गई थी और ये बहुत ही लाजवाब से हमारे मैक्सिकन कबाब जो है वो बन के रेडी हो चुके हैं। सो अब प्रोसीजर कुछ यूँ है कि मैं इसे जो बारबेक्यू स्क्यूअर्स होते हैं उनमें सेट करके एंड देन सर्व करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस तरह सर्व करने से ज़रा प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई थी प्लस फैमिली खुश हो जाती है जब आप कुछ स्पेशल कुक करते हैं और उसे सर्व भी स्पेशल तरीके से करते हैं। तो आप घर में ही बहुत ही बेहतरीन डाइनिंग जो है वो इंजॉय कर लेते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल। तो मैंने यहाँ पर स्लाइस्ड अनियंस ले लिए थे और स्लाइस लेमन ले लिए थे और क्यूब्स में कटे हुए अनियंस और शिमला मिर्च तो हम ऑलरेडी थोड़े से जो है वो कुक कर चुके हैं अलॉन्ग विद द मीट। सो हमने इसको स्क्रूअर्स में सेट कर दिया था। तो ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, आप जैसे चाहें इसको स्क्रूअर्स में सेट कर सकते हैं। आप पहले अनियन रखना चाहें अनियन रख लें, पहले कैप्सिकम रखना चाहते हैं या पहले लेमन रखना चाहते हैं, टोटली अप टू यू। तो आप अपने हिसाब से इसको स्क्रूअर्स में सेट कर लीजिए एंड देन इस तरह से सारे स्क्रूअर्स को मैंने बनाकर रेडी कर लिया था जैसा कि आप यहाँ इस वीडियो में देख सकते हैं। सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था जब मैंने इसको सर्व किया था, तो ये प्रेजेंटेबल भी लग रहा था प्लस इसकी वजह से जो है वो बच्चों ने काफ़ी मज़े से इंटरेस्ट लेकर खाया था। तो ये एक क्रिएटिव तरीका था अपनी फैमिली को स्पेशल ट्रीट करने के लिए। सो हेयर इट इज़, यहाँ हमारे सारे स्टूडेंट्स बन के रेडी हो चुके हैं और ये लंच बॉक्स आइटम भी है और आप इसे पिकनिक या पार्टी पर भी सर्व कर सकते हैं। सो अब आ जाते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ और उसको हम सर्व कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर डिश आउट कर लिया है सबसे पहले राइस जो कि ऑलरेडी हम कुक कर चुके थे और यहाँ माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि चावल कितने खिले खिले और बिल्कुल फरेरे बने हैं, आपस में गिंजे हुए या जुड़े हुए नहीं हैं। सो चावलों को रख लेने के बाद मैंने इसके ऊपर जो हमने स्क्यूअर्स रेडी किए हुए थे उन्हें सेट कर लिया था। सो हेयर इट इज़, और अब मैं इसको गार्निश कर दूंगी अलॉन्ग विथ चॉप कोरिएंडर। फ्रेश कोरिएंडर यूज़ किया था मैंने यहाँ पर, आप चाहें तो इसके ऊपर जिंजर भी कर सकते हैं या फिर लेमन को स्लाइस करके भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। सो हेयर इट इज़, यहाँ हमारा मज़ेदार सा अ कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रेसिपी तैयार है बनकर और ये बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी फैमिली, आपके घर वाले इसे इन्जॉय करेंगे और आपको ढेरों ढेर तारीफ़ें मिलेंगी समेटने को। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आप लोग को पसंद आई, इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।